दोस्तों आज बात करते हैं कैसे महादेव ने दिया एक अनजाने भक्त को वरदान। आखिर कितने भोले हैं हमारे महादेव, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आखिर कितने भोले हैं हमारे महादेव। एक बार शिवरात्रि की रात में सारे गांव वाले जाग रहे थे, इसलिए एक चोर दूसरे गांव के मंदिर में चोरी करने के लिए चला जाता है। इत्तेफाक से वो मंदिर महादेव का था, जहां उस चोर को धतूरे के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर जब चोर महादेव को हाथ उठा के प्रणाम करता है तो देखता है ऊपर एक पीतल का घंटा लटका हुआ है। फिर वो चोर शिवलिंग के ऊपर पैर रख के घंटे को उतार लेता है। तभी महादेव की आवाज आती है कि हम तुमसे प्रसन्न हुए, कोई भी वर मांगो। चोर घबरा के कहता है, भगवान मैंने तो चोरी जैसा बुरा काम किया, फिर भी ये वरदान क्यों? महादेव मुस्कुरा के कहते हैं, शिवरात्रि में लोग हमें दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, पर तुमने तो खुद ही को चढ़ा दिया। जाओ, आज के बाद तुम इतने संपन्न हो जाओगे, कभी तुम्हें चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो एक बार भी भगवान शिव की भक्ति करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अब सोचो जो रोज पूजा करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, उन पर कितने प्रसन्न होंगे। आपको कैसी लगी स्टोरी और अगली आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।